क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके से एनिमेशन के थ्रू हम इन माउंटेन रेंजेस को कवर करें तो ये आपकी पिक्टोरियल मेमोरी में, में हमेशा के लिए बस जाएंगे और अब आप इनकी खूबसूरती के साथ साथ एग्जाम के क्वेश्चंस का भी मज़ा ले पाएंगे मुझे तो लगता है कि ये जर्नी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है तो हम इन माउंटेन रेंजेस को आज के इस सेशन में एक साथ कवर करेंगे जिसमें हम पिक्टोरियल इमेजेस के साथ साथ एनिमेशन का सहारा लेंगे इसके पहले कि हम इस सेशन में आगे बढ़े आप जान लीजिए यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स 24, 25 के बारे में जो कि सी मॉडल पे कन्वीन की जा रही है जीएस क्लासे, की क्लासेस सी की क्लासेस ऑप्शनल की क्लासेस इसका पार्ट होंगी सी मॉडल के विद इन आपकी क्लास शुरू होने से पहले आपकी प्रीवियस क्लास रिवाइज करवाई जाएगी और आपके क्लास के खत्म हो जाने के बाद इन क्लास टेस्ट होगा जहां पर प्रॉपर इवेल्यूएशन के साथ आपको लाइब्रेरी एक्सेस भी मिल जाएगी अगर आपने बाई चांस अपने लेक्चर मिस किए हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल रहेंगे विद इन ईयर आपकी तैयारी को बहुत स्ट्रेंदन कर दिया जाएगा तो सी मॉडल के थ्रू अगर आप इन कोर्सेज को अवील करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म मिल जाएगा आप उसे फिल कर लीजिए और आप कनेक्ट कर सकते हैं पीडब्लू एस के मिंटोर से तो आइए बिना देर के माउंटेन्स की इस जर्नी को शुरू करते हैं दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहाँ आपको हर तरह के ज्योग्राफिकल फीचर्स मिलेंगे चाहे वो हिल्स हो या माउंटेन्स फ्लाटूज हो या प्लेन्स डेजर्ट्स हो या सी कोस्ट और वैलीज हो या डेल्टा भारत में सब कुछ है और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं ज्योग्राफिकल फीचर्स में से माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स के बारे में बात करेंगे और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हिमालयन माउंटेन रेंजेस की द तो हिमालयास सीरीज ऑफ पैल और कन्वर्जिंग माउंटेन रेंजेस से कंस्टिट्यूटेड है जिनमें से मेन है ग्रेटर हिमालयन रेंज जिसके अंदर ग्रेटर हिमालयस और ट्रांस हिमालयन रेंज इंक्लूडेड है इसके बाद आता है मिडल हिमालयस और शिवालिक या आउटर हिमालयास जो ग्रेट प्लेन्स और लेसर हिमालयस के बीच लोकेटेड है शिवालिक को डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नाम से जाना जाता है जैसे जम्मू रीजन में इसे जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में इसे घांग रेंज के नाम से और दूधवा रेंज के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसे दफरा मीरी अबोर और मिशमे हिल्स का नाम दिया गया है भारत के नॉर्थ वेस्ट में इनका जनरल ओरिएंटेशन नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है वहीं दार्जिलिंग और सिक्किम में देखें तो ये रेंजेस ईस्टवर्ड डायरेक्शन में लाई करते हैं अरुणाचल प्रदेश में इनका डायरेक्शन साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक है और नागालैंड मणिपुर और मिजोरम में ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाई करते हैं ग्रेट हिमालयन रेंज या सेंट्रल याल रेंज की अप्रोक्सीमेट लेंथ की बात करें तो ये ईस्ट टू वेस्ट 2500 किलोमीटर है और नॉर्थ टू साउथ इसकी वन 160 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर तक वेरी करती है दोस्तों हिमालयस के विदिन लार्ज स्केल वेरिएशंस हैं और रिलीफ अलाइनमेंट ऑफ रेंजेस और जियोमॉर्फिकल फीचर्स के बेसिस पर हिमालय को फॉलोइंग सब डिविजन में डिवाइड किया जा सकता है नंबर वन कश्मीर या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास नंबर टू हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालयास नंबर थ्री दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास नंबर फोर अरुणाचल हिमालयास और नंबर फाइव पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स आइए अब इन सबको डिटेल में समझते हैं सबसे पहले चलिए बात करते हैं कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास की कश्मीर हिमालय सीरीज ऑफ रेंजेस जैसे काराकोरम लद्दाख जास्कर और पीर पीरपंजल से कम्प्राइज है और कश्मीर हिमालयास का ईस्टर्न पार्ट एक कोल्ड डेजर्ट है और ये ग्रेट हिमालयास और काराकोरम रेंजेस के बीच लाई करता है इसके अलावा ग्रेट हिमालयास और पीर पंजल रेंज के बीच कश्मीर वैली और फेमस डल लेक लोकेटेड है इसके अलावा साउथ एशिया के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जैसे बाल्टोरो और शियाचीन भी इसी रीजन में लोकेटेड है आपको बता दें कि कश्मीर वैली फॉर्मेशन के लिए फेमस है जो ज़ाफ़रान कल्टीवेशन के लिए काफी यूजफुल होता है कुछ इंपॉर्टेंट पासिस भी हैं जैसे ग्रेट हिमालयाज में जोजिला पीरपंजल में बनिहार जास्कर में पोथुला और लद्दाख में खारदुंगला इसके अलावा यहाँ डल लेक और फुलर लेक जैसी फ्रेश वाटर और पैंग और सो सोमोरीरी जैसी सॉल्ट वाटर लेक्स भी पाई जाती हैं आइए अब कश्मीर हिमालय के कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में देखते हैं काराकोरम रेंज में लोकेटेड वर्ल्ड का सेकेंड हाइएस्ट और भारत का हाइएस्ट पीक के जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है ये लोकेटेड है इसके अलावा सालतोरो माउंटेन रेंज में भारत का फोर्थ हाईएस्ट पीक सालतोरो पीक और शेचिन ग्लेशियर भी लोकेटेड है काराकोरम रेंज के साउथ ईस्ट में है इंडिया का फिफ्थ लार्जेस्ट पीक सासर कांगरी पीक जो लद्दाख में लोकेटेड है इसके बाद है भारत का सिक्स हाइएस्ट मामुस्तौ कंगेरी पीक जो ग्रेट काराकुरा माउंटेन रेंज के रीमो मुस्ताक सब रेंज का टॉलेस्ट पीक है और ये शियाचिन ग्लेशियर के करीब लोकेटेड है इसके बाद नेक्स्ट है रीमो मुस्ताक के नॉर्थ में लोकेटेड इंडिया का सेवेंथ हाइएस्ट पीक रीमो वन रीमो माउंटेन सीरीज में चार पीक्स है जिनमें रीमो वन हाइएस्ट है और ये शियाचिन ग्लेशियर का पार्ट है कश्मीर हिमालय से फ्लो होने वाले रिवर्स की बात करें तो यहां झेलम चिनाब और उनकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती हैं और कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर झेलम के किनारे बसी हुई है इस रीजन के सदर पार्ट में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज या दूंस एग्जिस्ट करते हैं जिसके जम्मू दून और पठानकोट दून कुछ प्राइम एग्जाम्पल्स हैं आइए अब देखते हैं हिमाचल और उत्तरांचल हिमालयास के बारे में हिमाचल और उत्तरांचल हिमालयास अप्रॉक्सिमेटली वेस्ट में रावी और ईस्ट में काली के बीच लाई करते हैं इस रीजन से फ्लो होने वाली रिवर्स की बात करें तो यह इंडस के साथ इसकी ट्रिब्यूटरीज जिसे रावी ब्यास सतलज और गंगा के साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज यमुना और घाघरा का नाम आता है हिमाचल हिमालयस का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट लद्दाख कोल्ड डेजर्ट का एक्सटेंशन है जो लाहौल और स्पीति के स्पीति सब डिविजन में लाई करता है और हिमालयस के तीन रेंजेस यानी ग्रेट हिमालयस और लेसर हिमालयस भी इस सेक्शन में प्रोमिनेंट है इन्हें हिमाचल में धौलाधर और उत्तरांचल में नागाटेबा के नाम से भी जाना जाता है इसके अलावा शिवालिक रेंज यह नॉर्थ टू साउथ में लाई करती है जैसे तो के के सेक्शन में अराउंड टू ऑल्टीट्यूड बिटवीन ब्रिटिशर्स ने धर्मशाला मसूरी शिमला और कावसानी जैसे हिल स्टेशन और शिमला कसौली अल्मोड़ा लैंड डाउन और रानी खेत जैसे कैंटोनमेंट डाउन और हेल्थ रिजोर्ट डेवलप किए थे जो आज भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है फिजियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रीजन में शिवालिक और दून फॉर्मेशन डिस्टिंग्विशिंग फीचर है और चंडीगढ़ काल का दून नालगढ़ दून देहरादून हरिके दून और कोटा दून यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट दून हैं जिसमें देहरादून सबसे लार्जेस्ट है ग्रेट हिमालयन रेंज में वैलीज मोस्टली एक नोमैडिक ग्रुप भोटियाज द्वारा इनहेबिटेड है जो समर्स में समर ग्रासलैंड बुग्रियाज में माइग्रेट कर जाते हैं आपको बता दें कि वैली ऑफ फ्लावर्स भी इसी रीजन का पार्ट है और उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालयाज में नंदा देवी लोकेटेड है और इसके करीब है नंदा देवी नेशनल पार्क जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूडेड है इसके अलावा उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के जास्कर माउंटेन रेंज में कमेट पीक और कुमाऊ सेंचुरी के नॉर्दर्न रीजन में हरदेओल पीक लोकेटेड है जो नंदा देवी के साथ बॉर्डर शेयर करता है अब नेक्स्ट है उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में गंगोत्री ग्रुप का चौकम्बा पीक जो भारत का नाइंथ हाइएस्ट पीक है और चौकम्बा के बाद आता है भारत का टेंथ हाइएस्ट पीक त्रिशूल जो उत्तराखंड के कुमाऊ रेंज में सिचुएटेड है दोस्तों तो इसके बाद अब हम आते हैं अपने थर्ड सब डिविजन यानी दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज पर दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज वेस्ट में नेपाल हिमालयाज और ईस्ट में भूटान हिमालय से घिरे हुए हैं इस रीजन से तिस्तर जैसी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स ओरिजिनेट होती है और इंडिया का सेकेंड हाइएस्ट और वर्ल्ड का थर्ड हाइएस्ट पीक कंचनजंगा भी इसी रीजन में लोकेटेड है ये माउंटेन रेंज वेस्ट में तामो रिवर नॉर्थ में लोनाक रिवर जोंगसांगला और ईस्ट में तीस्ता रिवर से घिरा हुआ है इसके लोकेशन की बात करें तो ये नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर रीजन में लाई करता है हांगचेद जोंगा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूडेड है इस रीजन के हाईअ रीचेज लेप्चर टाइव द्वारा इन्ेबिटेड है और यहाँ के फिजिकल कंडीशन जैसे मॉडरेट स्लोप थिक थॉइल कवर विद ऑर्गेनिक कॉन्टेंट और थ्रू आउट द ईयर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल और माइल्ड विंटर का एडवांटेज लेते हुए ब्रिटिशर्स ने यहाँ टी प्लांटेशन इंट्रोड्यूस किया था हिमालय के इस रीजन में शिवालिक फॉर्मेशन के स्थान पर दुआर फॉर्मेशन देखे जा सकते हैं जिनका यूज टी गार्डन के डेवलपमेंट में किया जाता है इसके बाद हम बात करेंगे अरुणाचल हिमालय की जो भूटान हिमालय से ईस्ट में बीपहू पास तक एक्सटेंडेड है और जनरल डायरेक्शन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट होता है इस रीजन में कांग और नामचा बरवा जैसे इंपॉर्टेंट पीक्स लोकेटेड हैं और इसके अलावा इस रीजन को ब्रह्मपुत्र कामेंग सुबानसिरी सिरी दिहांग दिबांग और लोहे जैसी रिवर द्वारा ड्रेन किया जाता है अरुणाचल की एक खास बात यह है कि यहाँ रिसाइड करने वाले न्यूमरस एथनिक ट्राइबल ग्रुप्स ईस्ट से वेस्ट तक अगर देखें तो यहाँ पर मोनपा डफला अबोर मिशमी निशी और नागा ट्राइब रिसाइड करती हैं इसके बाद हम बात करेंगे अपने लास्ट सब डिविजन पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालय की पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स हिमालयास का साउथवर्ड एक्सटेंशन है और इसका जनरल अलाइनमेंट नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होता है से हिमालयस साउथवर्ड बेंड होते हैं और लो हिल्स की एक सीरीज फॉर्म करते हुए इंडिया म्यांमार बॉर्डर के अलोंग नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश से साउथ में मिजोरम तक जाते हैं लोकली इन हिल्स को डिफरेंट नाम से जाना जाता है जैसे नॉर्थ में इन्हें बम नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स के नाम से जाना जाता है और साउथ में इन्हें मीजो या लोशाई हिल्स के नाम से जाना जाता है पतकाई बम हिल्स स्ट्रोंग स्टैंडसून से बने हुए हैं और ये नागा हिल्स में मर्ज हो जाते हैं और सारावती यहाँ की हाईएस्ट पीक है आपको बता दें कि पतकाई बम्प और नागा हिल्स इंडिया और म्यांमार के बीच एक वाटरशेड फॉर्म करते हैं और इनके साउथ में लोकेटेड है मणिपुर जो बरेल रेंज द्वारा नागा हिल्स से सेपरेटेड है फर्दर दे देखें तो बरेल रेंज के वेस्ट में जैंतिया खासी और गारो हिल्स है जो इंडियन पेनिसुलर ब्लॉक का एक्सटेंशन है जिन्हें गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स मेन ब्लॉक से सेपरेट करती हैं मणिपुर हिल्स के साउथ में मीजो हिल्स या लुशाई हिल्स लोकेटेड है जहाँ लोकेटेड है ब्लू माउंटेन जो यहाँ की हाइएस्ट पीक है हिमालयन रेंज के बाद अब हम देखेंगे अरावली रेंज के बारे में दिल्ली से गुजरात तक जाती अरावली रेंज का अलाइनमेंट नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है और ये वर्ल्ड के वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं जो हरिद्वार तक कंटिन्यूड है जहां ये गंगा के अलूवियम प्लेन्स के अंडर बरीड है कुछ जियोग्राफर्स के अकॉर्डिंग अरावलीस का एक ब्रांच लक्षद्वीप पार्क के पेलगो तक एक्सटेंडेड है और दूसरा आंध्र प्रदेश और कर्नाटका तक एक्सटेंड होता है राजस्थान में अरावलीसलीस डिस्टिंग है, है। राजस्थान के अरावलीज में ही लोकेटेड माउंट आबू बनास वैली द्वारा मेन रेंज सेपरेटेड है और इसी माउंट आबू में लोकेटेड है यहाँ की हाइएस्ट पीक गुरुशिखर इसके अलावा इन माउंटेन रेंजेस में पिपली घाट देवियार

और साउथ इंडिया के रिवर सिस्टम के बीच एक वाटरशेड की तरह भी एक्ट करती है यहाँ फ्लो होने वाले रिवर्स की बात करें तो चंबल बेतवा और केन का नाम सामने आता है और इसके बाद अब हम बात करेंगे सतपुरा माउंटेन रेंजेस के बारे में सतपुरा 700 किलोमीटर की एक सीरीज है और 900 किलोमीटर लंबी सतपुरा विंध्यास के साउथ में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रफली नर्मदा और तापी रिवर के पैनल रन करती है सतपुरा इसके पार्ट फोल्डेड और अपहीव्ड है और इन्हें स्ट्रक्चरल अपलिफ्ट या हॉर्स्ट कहा जाता है आपको बता दें कि पचमढ़ी के करीब महादेव हिल्स में लोकेटेड धूपगढ़ सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है इसके अलावा अमरकंटक भी यहाँ की एक पीक है के बाद अब हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट या शयाद्री के बारे में शयाद्री तापी वैली से कन्याकुमारी के नॉर्थ तक करीब 1600 किलोमीटर तक जाते हुए डेगिन प्लेटू का वेस्टर्न एज फॉर्म करती है ये इंडिया के गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका केरला और तमिलनाडु स्टेट्स में रन करते हुए डेगिन प्लेटू को कोस्टल प्लेन से सेपरेट करती है आपको बता दें कि वेस्टर्न घाट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में है और साथ ही ये के 36 जाता है और ये इंडियन मानसून को भी इन्फ्लुएंस करती है वेस्टर्न घाट नीलगिरी माउंटेन्स में ईस्टर्न घाट से मिलती है और नीलगिरी शयाद्रीज को कर्नाटका केरला और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन में ज्वाइन करती है और अनामुडी यहाँ की हाइएस्ट पीक है इसके अलावा अनामलाई पलानी

वेस्टर्न घाट्स के बाद हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट्स की जो इंडिया के ईस्ट कोस्ट के अलॉन्ग पैल रन करते हैं ईस्टर्न घाट्स ओडिशा में महानदी से स्टार्ट होकर तमिलनाडु के वगाई तक रन करती है लेकिन ईस्टर्न घाट्स में स्ट्रक्चरल यूनिटी और फिजियोग्राफिक कंटिन्यूटी की कमी है और इसी कारण यहाँ के हिल्स को जनरली इंडिपेंडेंट यूनिट्स की तरह ट्रीट किया जाता है ईस्टर्न घाट्स के नदन पार्ट्स महानदी और गोदावरी के बीच ही ट्रू माउंटेन कैरेक्टर शो करते हैं जहां मलिया और मडुगुला कोंडा रेंजेस लोकेटेड हैं महेंद्रगिरी मलिया रेंज की टॉलेस्ट पीक है और अराकू वैली में लोकेटेड जिंदागड़ा पीक पूरे ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है इसके अलावा अर्मा कोंडा गलीकोंडा और सिंकरनगुट्टा यहाँ की प्रोमिनेंट पीक्स हैं गोदावरी और कृष्णा रिवर्स के बीच ईस्टर्न घाट्स अपना हिली कैरेक्टर लूज कर देती है और यहाँ गुणवाना फॉर्मेशन की टोमिनेंस देखी जा सकती है इसके बाद आंध्र प्रदेश के कड़प्पा और कुटनूल डिस्ट्रिक्ट के बीच लोकेटेड ईस्टर्न घाट्स के हिल्स को नलामलाई रेंज के नाम से जाना जाता है और सदन पार्ट को पलकोंडा रेंज के नाम से जाना जाता है साउथ की तरफ जाते हुए इन हिल्स की हाइट में गिरावट आती है और केवल जवाड़ी हिल्स और शिवरॉय कलरायन हिल्स ही हिल्सेंड मीटर के साथ डिस्टिंक्ट फीचर फॉर्म करते हैं फर्दर ये ईस्टर्न डिस्टिंग नीलगिरी में वेस्टर्न घाट के साथ भी मर्ज होते हैं और दोस्तों ये था हमारा वीडियो इंडिया के माउंटेन रीजन पर कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद